ஆதுன்னு தானா வெறுமனி சிக்காப்படும் ஸ்மாதி எவ்வளோ ஆதுன்னு தானா வெறுமனி சிக்காப்படும் ஸ்மாதி தம்மபத் காதா கதா 141 एक भंडारी करके, भंडारी मतलब जो भंडार इकट्ठा करता है, भंडार का मतलब है इसको भाड़ा भी बोलते हैं, यानी कि जो भंडार है उसको भंडारी भी या भंडारी भी बोलते हैं, या जो बर्तन बोलते हैं जिसको भाड़वक बोलते हैं वैसा भी उसको बोलते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा कर रखा था, उसके मन में ये देख कर के ये जो भिक्कू संघ है और ये भिक्कू लोग हैं क्या जीवन है इसका, क्या नहीं है इसका, एक्सपीरियंस किया जाए, इसको देखा जाए, और वो अपना सब कुछ समेट कर और अपनी कुटिया बनाकर पवज्जा ले लेता है, भिक्कू बन जाता है और अपनी कुटिया में सारा ऐशो आराम का सामान वही रखता है जो उसके सार्वजनिक जीवन में यानी पब्लिक लाइफ में होता है। वही खाना, वही पीना, वही मौज, वही मस्ती, वही तकिया, वही गद्दे, पूरा सामान लेकर वो आता है, क्योंकि उसको लगता है कि भिक्कू जीवन में चीवर पहनना है और बाकी सब शायद वैसा ही है, तो वो कोई नियम को पालन भी नहीं करता था। और बाकी भिक्कू से देख के थोड़ा परेशान होते थे। भिक्कू की प्रवृत्ति है कि वो आपस में बात करते हैं, भगवान के संज्ञान में लेके आते हैं। तो उसको कहा भिक्कू ने कि तुम कैसे भिक्कू हो, अगर भिक्कू जीवन में भी ये सब तुम्हें अपनाना है तो भिक्कू बनने का फायदा क्या है। भिक्कू जीवन के नियम ये हैं विनय के, आप इन नियमों पर चलोगे तो फायदा होगा, अगर आप इन नियमों पर नहीं चलोगे तो गृहस्थ में जाओ, यहाँ फायदा नहीं है। यहाँ तो भिक्कू के नियम अपनाओगे, विनय के नियम अपनाओगे। विनय के नियम में आजकल वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आप विनय के नियम वहां देख सकते हैं। भिक्कू के 227 होते हैं और भिक्कुनी के 311 जो थेरावाद हैं, बाकी ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। तो विनय के नियम पर वो चलने को तैयार नहीं हुआ और वो गुस्से से लाल पीला होकर उसने वहां चीवर को फेंक दिया। ये लो अपना चीवर, मुझे नहीं तुम्हारा ऐसा नियम मानने हैं। वो चीवर जो उसने फेंका, क्योंकि चीवर सड़क पे अगर आ गया या चीवर अगर रोड पे आ गया या चीवर अगर बिहार में नीचे जमीन पर गिर गया, तो उस व्यक्ति के मन से धम्म की कोई इच्छा या धम्म का कोई सम्मान है ही नहीं, तो वो धम्म को प्राप्त क्या करेगा। चीवर को क्या नुकसान होना है, जो नुकसान होना है फेंकने वाले को होना है। तो भगवान बुद्ध को जब ये पता चला कि इस भिक्कू ने, जो भंडारी भिक्कू है, उसने ये चीवर को उतार के फेंक दिया है और चीवर के साथ उसने ऐसा किया और वो संयम में नहीं रहा, विनय को नहीं मानता, तो भगवान बुद्ध ने उसको बुलाया और उसको फटकारा, उसको कहा कि जो तुझे उतार के फेंकना था वो तो तूने उतार के फेंका नहीं, और जो तूने उतार के नहीं फेंकना था वो तूने फेंक दिया। भिक्कू लोग समझे नहीं इसको, क्या बात इतनी बड़ी बात बोली, भगवान है, भगवान जो बोलते हैं इशारों बोलते हैं, कुछ समझ जाते हैं कुछ नहीं। तो उन्होंने देशनामा उनको बताया कि तुझे क्रोध छोड़ना था, तुझे क्रोध फेंकना था, तुझे लालच फेंकना था, तुझे आलस फेंकना था, तुझे जो ये राग है इसको फेंकना था, तुझे जो द्वेष है इसको फेंकना था, इसके लिए तो आया था तू यहाँ, वो तो तूने फेंका नहीं, और जिस चीज से इनको फेंकना था वो तूने फेंक दिया, तो तेरा कल्याण कैसे होगा, तो तेरा फायदा कैसे होगा। वो बताते हैं कि 45 साल तक जो उन्होंने देशना दी, उससे पहले 6 साल पहले वो उन्होंने सारी जीवन की चर्याएं देखी हैं, हर जगह 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 जाकर उन्होंने सीखा है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अध्ययन किया है, बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी की है, बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिस किए, और अपने प्रैक्टिकल, अपने जो व्यवहार हैं, जो अपने अभ्यास हैं, जो अपनी प्रैक्टिस है, जो उन्होंने देखा, उसके आधार पे उन्होंने ये गाथा कही और उसको बहुत गुड़ रहस्य में उन्होंने बताया, जो बाद में सरल करके उनको समझाया। क्या है वो गाथा? ने नंग चरिया, ने जटा, ने पंका, नाना सका, ने अना सका, ठंडिल साइका वा रजो जल्लन उक्कुटिक पधानं सोधेंती मचंग अवीतृण कखन। ने नंग चरिया, वो कहते हैं ने तो नंग चरिया से, यानी कि कोई व्यक्ति अगर नंग चरिया करता है, नंग चरिया का मतलब है कि बिना कपड़े पहन के 24 घंटे रहता है, उसको नंग चरिया बोलते हैं। निगट भी कोई एक पद्धति वहां चली उस समय जिसमें कपड़े नहीं पहनते थे और वो 24 घंटे ऐसे रहते थे। ने जटा, जटा का एक पद्धति थी उस समय जो उन्होंने देखी 6 साल में, कि लोग सर पे बाल काटते नहीं थे और बाल बढ़ते जाता था, फिर उनको जटाएं बोलते थे या केस ही बोलते थे, मगर ऐसे बालों को उलझे हुए को जटाएं बोला करते थे। जटाएं जो पेड़ की जो झाड़ियां हैं उनको भी जटाएं बोलते हैं, और बाद में ये जट शब्द पड़ा, बाद में जटाओं से जट बना, जट से जट बना। तो कहते हैं ना ही जटा रखने से, न पंका,
पंका माने होता है कीचड़ और गारा, यानी कि आपने ये आपने सुना होगा ना पंकज, सब सुना होगा पंकज। पंकज का मतलब है जो पंका में पैदा होता है, पंकज यानी कि कमल का फूल जो कीचड़ में पैदा होता है, पंकज में पैदा होता है। नीरज भी बोलते हैं, नीरज का मतलब है पानी में पैदा होता है। तो जो पंकज है इससे पंख बना हुआ है, तो पंख का मतलब है ना ही कीचड़ में, कोई कीचड़ को अगर शरीर पर लपेट ले ना ही उससे। ने अनासका का मतलब होता है, अनासका का मतलब है अनासन, अनासन का मतलब है अनशन, यानी कि कोई अगर अनशन पे रहे, भूखा रहे, उपवास करे। सन माने होता है खाना, जो असन माने होता है उस माने होता है भोजन। तो अनशन माने है जो भोजन ना ले, तो कोई अगर भोजन ना ले, उपवास ले, ना ही उससे। ठंडिल साइका, ठंडिल माने होता है कठोर, एकदम नंग जमीन, नंग जमीन को बोलते हैं कठोर। और साइका माने सोए, यानी कोई अगर बिल्कुल नंग जमीन पे, कठोर पे, चट्टान पे सोए, ना ही उससे। वा वा माने या। रजो जल्लंग, रजो जल्लंग का मतलब है रजो जो बोलते हैं, वो बोलते हैं धूल के बहुत छोटे छोटे कणों को बोलते हैं रज। तो रजो जल्लंग, इससे रज, इसको धूल भी बोलते हैं और इसको रेणु भी बोलते हैं। और जल्लंग माने होता है कीचड़ या स्टफ, यानी कि जो धूल के छोटे छोटे कण जो कीचड़ में या पानी में लिपटे रहते हैं, गीला गीला, यानी कि जो मिट्टी गीली होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको कोई लगाने से, यानी उसको कोई लपेट ले, या इसको भभूत भी बोल सकते हैं, जो छोटी छोटी भभूत होती है, राख होती है, उसको कोई लपेट ले। उक्कुटिक पधानंग, उक्कुटिक पधानंग का मतलब है, उक्कुटिक माने होता है उकड़ू बनना, उक्कुटिक बाद में उकड़ू कहने लगे आसानी के लिए, वैसे उक्कुटिक होता है। तो उक्कुटिक माने है कोई उक्कुटिक हो जाए, कोई उकड़ू बन जाए, यानी कोई शरीर को किसी और तरीके से बैठ जाए, उकड़ू बन जाए कोई। पधानंग का मतलब पूरी तरह से धारण कर ले, यानी उक्कुपट पधानंग का मतलब है कि कोई उकड़ू बन के उसको ध्यान लगाए या उसको धारण कर ले। सोधेंती मचंग अवितण खनंग, सोधेंती, सोधेंती का मतलब है साफ करता है, यानी वे साफ करते हैं, सफाई करते हैं, प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, शोध करते हैं। सोधेंती यानी कि वे शोध करते हैं। मच्छंग माने जो होता है मृत्यु के कारण का, यानी जो मृत्युधारी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको मच्छंग बोला है, यानी कि कोई मृत्युधारी, यानी कोई प्राणी, कोई मनुष्य अगर उसको साफ किए बिना, अवितृण खंग, अवितृण का मतलब होता है, अवितृण का मतलब होता है जैसे पतित, अवितृण माने होता है पतित, और जो इच्छा होती है उसको आकांक्षा बोलते हैं। ये दो सबसे बना हुआ है, अवितृण जैसे आपके ना उत्तीर्ण हो गया यानी कि पास हो गया, और अवितीर्ण का मतलब है फेल हो गया, उत्तीर्ण का मतलब है पास होना, एक क्लास में उत्तीर्ण हो गया, और अवितीर्ण का मतलब है फेल हो गया, नीचे आ गया। तो यहाँ अवितीर्ण है, अवितीर्ण का मतलब है उसके बिना फेल हो गया, किसमें, आकांक्षा लिए हुए, यानी कि अपनी आकांक्षा लेके साथ, अपनी इच्छा लेके साथ है। कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छाएं लेके साथ में, इच्छाएं लेके और ये सारे काम करे जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं, तो वो जिंदगी में कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, वो कभी भी पार नहीं हो सकता, उसकी कभी भी कोई भी जो साधना विपसना है या जो वो मोक्ष प्राप्त करने आया, वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान बुद्ध जो भी बताते थे वो प्रैक्टिकल होता था, 6 साल तक उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए बताया हो, वो एक शब्द भी कभी बिना एक्सपीरियंस किए हुए बताते नहीं, और कभी किसी की निंदा करते नहीं, मगर सच बताने से पीछे हटते नहीं। तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं कि कोई अगर चाहे नंगा रहे, चाहे बाल रखे, जटा रखे लंबी लंबी, चाहे कीचड़ लगाए, चाहे भभूत लगाए, चाहे उकड़ू बन के खड़ा रहे, चाहे भूखा रहे, चाहे जमीन पर लेट जाए, या कैसे भी वो काम कर ले, 7 प्रकार काम कर ले, अगर वो अपने मन में इच्छा रखेगा, उसके मन में राग द्वेष होगा, तो उसके मन की सफाई नहीं हो सकती, वो शुद्ध नहीं हो सकता, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो पूरी जिंदगी इसमें लगा रहे। यही बात उन्होंने भंडारी के लिए कही कि भंडारी, तू जो ये भंडार लेके यहाँ आया हुआ है और सारा सामान लेके आया हुआ है, तू पूरी जिंदगी लगा रहेगा, अगर तू वीत राग नहीं बनेगा, अगर तू राग नहीं छोड़ेगा, अगर तू द्वेष नहीं छोड़ेगा, तो तू जिस काम के लिए आया वो तो जीवन भर में होगा भी नहीं। कितनी सरल और कितनी सिंपल बात वो बताते थे। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में
किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.